क्या कभी आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जो एक वक्त में पूरे 20 लोगों का खाना खाता हो और दुनिया का सबसे मोटा शख्स भी हो? अगर नहीं सुना तो हम आपको एक ऐसे 11 साल के बच्चे के बारे में बताएंगे जो इतनी खुराक खाता है और आज ये दुनिया का सबसे वज़नी बच्चा भी है। आइए इस बच्चे की ज़िंदगी में झांकते हुए आपको तफसील से आगाह करते हैं, जानकर यकीनन आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। इंडोनेशिया में आर्या परमाना का जन्म 2006 में हुआ था। पैदाइश के वक़्त इसका वज़न किया गया तो पता चला कि वो दुनिया का सबसे वज़नी बच्चा है। ये बच्चा 11 साल का है, आज इसका वज़न इतना बढ़ गया है कि इसको सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी है। आर्या परमाना दिन में 5 बार जी भर कर खाना खाता है, लेकिन इसके बढ़ते वज़न और तकलीफ़ को देखते हुए इनके घर वाले कम खाना देते हैं। इसके बढ़ते वज़न और मोटे जिस्म का ये हाल है कि इसके कपड़े भी जल्द छोटे हो जाते हैं या फट जाते हैं, इसलिए अब वो सिर्फ निकर पहनता है। आर्या की माँ का कहना है कि इसका वज़न जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और इसकी जिसामत को देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। आर्या हमेशा थका हुआ रहता है, इसके साथ इसके घुटनों में भी तकलीफ़ रहती है। आर्या दिन भर सिर्फ खाता और सोता है या फिर नहाता है। आर्या के वालदेन के नज़दीक आर्या को बचपन में कोई बीमारी नहीं थी, वो एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इसका वज़न बढ़ा तो लगा कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आज इसका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रहा है। लेकिन इसी साल इस बच्चे की सर्जरी हुई है और इसके जिस्म से 20 किलो चर्बी निकाल दी गई है और साथ ही साथ इसका मैदा भी साइज़ में छोटा कर दिया गया है, जिससे इसकी भूख जल्दी मिट जाती है और जल्दी भूख भी नहीं लगती। इनके वालदेन की अपील है कि हमारे लिए दुआ की जाए कि इनका बेटा जल्दी सेहतयाब होकर एक नॉर्मल शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारने लगे। व्यूज, वीडियो अच्छी लगी या बुरी, इसका इजहार इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक से करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिला झिझक कमेंट्स में कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।